नमस्कार, सत श्री अकाल। हम प्रभु को कई नामों से जानते हैं। प्रभु का हर एक नाम अक्षरों में है। मुंह, जीभ, होंठ, अंदर से निकलने वाली ध्वनि को अलग अलग अक्षर की ध्वनि बना देते हैं, पर मुंह खोलने से जो सीधी अंदर की आवाज निकलती है वह बन जाती है ओ, और जब हम मुंह बंद करते हैं तो वह बन जाती है ओम। यह सब अक्षरों की मूल ध्वनि है। इसी ध्वनि को सनातन के साधु संतों ने सृष्टि के मूल प्रभु से जोड़ा, फिर लिखने के लिए और देखने के लिए अक्षरों की तरह ही उसका एक सिंबल बनाया गया, उस ओम का एक प्रतीक बनाया गया जिसको आज हम ओम पढ़ते हैं। ओम निराकार है, निर्गुण है, अकाल है, अमृत है, अविनाशी है, इसलिए उसको निरंकार कहा जाता है। निर अंग कार, अंग मीन्स आकार और कार मीन्स क्रिया। प्रभु बिना काल के अकाल है और बिना आकार के निराकार है। यह उसका मूल रूप है, इसलिए उसको निरअंकार कहा जाता है। जब प्रभु अपना सरगुण स्वरूप बनाता है तो उसका सरगुण स्वरूप टाइम और स्पेस में होता है, यानी कि काल और आकाश में होता है। कोई भी आकार स्पेस घेरता है और बनने की क्रिया या होने की क्रिया समय में होती है। बिना समय के कोई क्रिया नहीं हो सकती, यहाँ तक कि हम बोल भी नहीं सकते, प्रभु का नाम भी नहीं ले सकते। तो टाइम और स्पेस में प्रभु अपना दृष्टमान रूप बनाता है, यही उसका सरगुण स्वरूप होता है, उसी का अंग और उसी की क्रिया है, इसलिए उसको ओंकार कहा जाता है। निर्गुण निरंकार, सरगुण ओंकार, दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब जो भी उसका आकार बनेगा काल में बनेगा। काल का आध है, मध्य है और अंत है। किसी भी चीज का आध है, मध्य है, अंत है। किसी का जन्म होता है तो उसका विकास होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। सृष्टि काल में है, सृष्टि का आध है, उसका विकास होता है, फिर उसका नाश भी होगा, क्योंकि जो चीज बनेगी उसका नाश भी होगा। एक मिनट का आध है, मध्य है और अंत है। एक साल का भी आध है, मध्य है और अंत है। अकाल खुद ही सृष्टि का आध बनता है, मध्य बनता है और अंत भी अपने आप ही बनता है। इसका मतलब प्रभु से सृष्टि बनती है, वही खेलता है और उसी में सारी सृष्टि समा जाती है। टाइम भी उसी में से बनता है और उसी में खत्म हो जाता है। सृष्टि के बनने से पहले भी वह था, उसका स्वरूप था निराकार, और सृष्टि जब उसमें समा जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब भी वह निराकार स्वरूप रहेगा। अब प्रभु को जानने के लिए भी हम उसी के बनाए, उसी के स्वरूप और काल का सहारा लेते हैं, क्योंकि कोई भी ज्ञान काल में ही लिया और दिया जा सकता है, और प्रभु का नाम भी हम काल में ही ले सकते हैं। बिना काल के हम राम भी नहीं बोल सकते। यह सारा खेल उसी प्रभु का है। वही काल में आके अपना स्वरूप धारण करता है, अपने आप को जानने की क्रिया भी उसी की है, और वही अपना ज्ञान बनाता है और अपने आप को जानता है। अपना नाम भी वह अपने आप ही जपता है। हम में जपने वाला वही है, हम में जानने वाला वही है। अब निराकार और आकार को समझने के लिए, निर्गुण और सरगुण को समझने के लिए एक विचार करते हैं। एक गुरुजी के 30 शिष्य थे। उनके पास एक सेब है। वह सेब 30 बच्चों में बांट देते हैं, 30 टुकड़े कर 30 बच्चों के पास सेब का
एक बटा 30 हिस्सा जाता है। गुरु जी के पास कितना सेब बचा? कुछ भी नहीं। गुरु जी के पास एक ज्ञान है, वह सेब का ज्ञान देते हैं कि यह सेब है। वह ज्ञान वह 30 बच्चों में बांटते हैं। अब हर एक बच्चे के पास ज्ञान कितना गया? क्या उसके 30 टुकड़े करके दिया गया और हर एक बच्चे के पास 1/30 ज्ञान पहुंचा या पूरा ज्ञान पहुंचा? और ज्ञान देने के बाद गुरु जी के पास कितना ज्ञान बचा? क्या वह पूरा ज्ञान बचा या वह खत्म हो गया? इससे हमें यह पता चलता है कि ज्ञान के टुकड़े नहीं हुए, सेब के टुकड़े हुए, क्योंकि सेब पदार्थ है, आकार है, टाइम और स्पेस में है, पर ज्ञान निराकार है, इसलिए उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ज्ञान को तलवार से काटा नहीं जा सकता, ज्ञान को आग में जलाया नहीं जा सकता, ज्ञान को पानी में डुबो के खत्म नहीं किया जा सकता। ज्ञान को बनाने वाला कौन था? ज्ञान को बनाने वाली थी हमारी चेतना। ज्ञान निराकार है, ज्ञान को बनाने वाली चेतना निराकार है। उसके टुकड़े नहीं होते, उसके खंड नहीं होते। खंड होंगे शरीर के, शरीर आकार है, इसके खंड हो सकते हैं, इसके टुकड़े हो सकते हैं, चेतना के टुकड़े नहीं हो सकते। वह एक ही है। जिस तरह से ज्ञान पूर्ण रूप से बच्चों में गया और उसके टुकड़े नहीं हुए, उसी तरह चेतना भी सब में सर्वव्यापक है, उसके टुकड़े नहीं होते, वह अखंड है। वह चेतना निर्गुण है, वह चेतना निराकार है, वह चेतना निरंकार है, और वही चेतना सारी सृजना करती है, सृष्टि को बनाती है। वह सृष्टा है, वह शरीर धारण करती है, हर एक शरीर धारण करके हर एक शरीर में वह खेलती है, उसका अपना आकार उसके अपने ही बनाए काल में खेल खेलता है। अनेक खंडों में होने के बावजूद भी वह अखंड है, अनेक में होने के बावजूद भी वह एक ही है। धन्यवाद। भारत माता की जय।